नमस्कार पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट में फिर चलेगी अतिक्रमण हटाओ मुहिम, अतिक्रमण हटाने गठित किए गए दल। राजस्व निरीक्षक मंडल माटे के राजस्व निरीक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित। पीएटी का पेपर बिगड़ने पर छात्र ने खाया चूहा मार दवाई। 101 विद्यार्थियों ने हल किया 11वीं की पूरक परीक्षा का पर्चा। जंगली सुअर के हमले में 2 महिला घायल। नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों ने कार्य से विरत रहकर किया विरोध प्रदर्शन। और वरिष्ठ नर्स शशि दीदी की सेवानिवृत्ति पर दी गई स्नेहिल विदाई। और अब खबरें विस्तार से। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 में अतिथि शिक्षक पोर्टल से चयनित एवं 3 माह या इससे अधिक कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों को 25 अंक का बोनस दिया जाएगा। डॉक्टर चौधरी ने यह निर्णय पूर्व में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों की मांग पर लिया है। इस निर्णय से गत वर्ष कार्य कर चुके लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक लाभान्वित होंगे। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रथम चरण में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को रखने की पूर्व वर्ष की व्यवस्था को निरंतर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पात्रता अनुसार बोनस अंक देने के बाद विकासखंड स्तर पर स्कोर कार्ड जनरेट होने पर पैनल बनाया जाएगा। पैनल में दर्शित आवेदक संबंधित स्कूल में आवेदन करेंगे और स्कूल के प्राचार्य स्कोर कार्ड में मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षक रख सकेंगे। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने रेलवे द्वारा बालाघाट कटंगी मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर BK09 किलोमीटर 1048 गर्रा फाटक की मरम्मत करने एवं रोड की सतह ठीक करने के लिए सोमवार की रात्रि 10 बजे से 2 जुलाई मंगलवार की प्रातः 6 बजे तक और 2 जुलाई मंगलवार की रात्रि 10 बजे से 3 जुलाई बुधवार की प्रातः 6 बजे तक गर्रा फाटक से आवागमन पूरी तरह से बंद रखने की अनुमति प्रदान की है। इस अवधि में एम्बुलेंस एवं अति आवश्यक वाहनों को छोड़कर शेष सभी वाहनों के लिए यातायात आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। यात्रियों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि 1 जुलाई एवं 2 जुलाई की रात्रि बालाघाट से लालबर्रा एवं आगे की ओर जाने वाले यात्री बालाघाट से समनापुर होते हुए लालबर्रा सड़क का उपयोग करें। इसी प्रकार सिवनी की ओर से लालबर्रा होते हुए बालाघाट आने वाले यात्रियों एवं वाहन स्वामियों से कहा गया है कि वे 1 और 2 जुलाई की रात्रि में लालबर्रा से समनापुर होते हुए बालाघाट आएं। बालाघाट से वारासिवनी की ओर आने जाने वाले यात्रियों एवं वाहन मालिकों को 1 और 2 जुलाई की रात्रि में आवागमन के लिए परिवर्तित मार्ग बाईपास रोड जो वेनगंगा पुल के समीप से मृत्युंजय घाट, जागपुर घाट, गोंगलई होते हुए नवेगांव मेन रोड गोंदिया को जाता है का उपयोग करें। जिले के नागरिकों से प्रतिबंधित अवधि में परिवर्तित मार्ग से आवागमन कर रेलवे को सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण किरनापुर तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल माटे के राजस्व निरीक्षक श्री मणिराम आर्मो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय परसवाड़ा रखा गया है। किरनापुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री राजेंद्र पटेल द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व श्री मणिराम आर्मो 22 जून 2019 से बिना सूचना के अपने पदीय कर्तव्य से एवं मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। उनके मोबाइल पर संपर्क करने पर भी उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है। उनके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सीएम हेल्पलाइन सीमांकन संबंधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं हो रहा है और जनहितैषी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। श्री आर्मो की लापरवाही के कारण राजस्व निरीक्षक मंडल माटे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्य में प्रगति नहीं आ रही है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि वे अपने सोसाइटियों के प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि यदि कृषक द्वारा चालू वर्ष में धान का उपार्जन किया गया है और उनके द्वारा पूर्व में खाद, बीज और ऋण आदि भी लिया गया है, तब
पांच वर्ष के पड़त की तकनीकी त्रुटि को नजरअंदाज कर संबंधित कृषक को खाद बीज एवं ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ कृषकों द्वारा रबी फसल की बुआई नहीं की गई है और पटवारी गिरदावरी ऐप में उन किसानों की भूमि को पड़त या रिक्त भूमि अंकित कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण खसरा अभिलेख में पांच वर्ष की पड़त भूमि अंकित हो गया है। ऐसे कृषक द्वारा खरीफ के मौसम में धान की फसल लगाने और सोसाइटी से खाद बीज एवं ऋण प्राप्त करने के बाद भी सोसाइटी द्वारा इस वर्ष उन्हें खाद बीज एवं ऋण की सुविधा नहीं दी जा रही है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत सड़कों के किनारे एवं नालियों पर किए गए अतिक्रमण कर लगाए गए ठेला एवं गुमटियों को हटाने एवं नियम विरुद्ध लगे विज्ञापन बोर्डों पर संपत्ति विरूपण के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए दल गठित कर दिया है। यह दल नगरीय क्षेत्र बालाघाट में प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा और सप्ताह के अंतिम दिन दल द्वारा सप्ताह में किए गए कार्य की रिपोर्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक सोमवार को टीएल बैठक प्रारंभ होने के पहले कलेक्टर को साप्ताहिक रिपोर्ट से अवगत करवाएंगे। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में अतिक्रमण हटाने के लिए बनाए गए दल में स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी श्री मयूर वाहने, राजस्व शाखा के प्रदीप परांजपे, राजस्व उप निरीक्षक वेद प्रकाश पुरी और सहायक ग्रेड 3 राजेंद्र बोपचे को शामिल किया गया है। इस दल के सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, वरना उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। हर सोमवार को होने वाली बैठक की कड़ी में आज 1 जुलाई को टीएल बैठक का आयोजन किया गया था। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के डाटा एकत्र करने की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि जिले में 5 लाख किसानों का डाटा एकत्र करना है और उसे वेबसाइट में अपलोड करना है, लेकिन अब 50,000 किसानों का ही डाटा अपलोड हो पाया है। शेष 4,50,000 किसानों का डाटा 10 जुलाई तक अपलोड करना है। कलेक्टर श्री आर्य ने इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि डाटा एकत्र करने और वेबसाइट में अपलोड करने के लिए अधिक कर्मचारी लगाएं और इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिना किसी कारण के हो रही बिजली कटौती को रोकने का काम करें और जानबूझकर बिजली कटौती ना होने दें, वरना ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों को हर मंगलवार को बिजली बिल सुधार समिति की बैठक नियमित से आयोजित करने कहा गया। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों एवं अन्य सड़कों के किनारे बिना अनुमति के केबल बिछाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सभी SDM एवं जनपद CEO को निर्देशित किया गया कि वे दस्तक अभियान पर भी निगरानी रखें और उसकी प्रगति की समीक्षा करते रहें। इस अभियान के अंतर्गत कुपोषित मिलने वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराकर उनका उपचार कराएं। सभी SDM को प्रोजेक्ट भरोसा के अंतर्गत चयनित ग्रामों में किसानों को दिए जा रहे खाद बीज और अन्य सुविधाओं की निगरानी करने कहा गया। और हर खाता आधार लिंक है आजकल, तो अगर आधार खाता खोलेगा नहीं, इनके अगर खाता चेंज भी करवा ली तो अगर तो उससे भरके पड़ जाएगा, अपने अपने आप ही आधार से पेमेंट होगा। पेमेंट आधार बेच दिए सरकार के सारे खाता बेस पेमेंट थोड़ी करेगी सरकार, सारे के सारे आधार बेस पेमेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इकट्ठा करता रहेगा, फिर उसका आधार नंबर इकट्ठा करेगा, फिर उसका रूट नंबर इकट्ठा करेगा, तो ये लोग हम लोग इकट्ठा क्यों रखते हैं, क्यों नहीं सकते हैं? तुम्हें कोई समस्या है? लालबर्रा के स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में 1 जुलाई को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक नवनियुक्त पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक अध्यक्ष भोजराज राहंगटाले की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन कर आवश्यक विचार विमर्श कर विभिन्न निर्णय लिए गए।
कि हम लोगों की ब्लॉक कार्यकारिणी गठन किया जाना चाहिए था। हम लोग समस्त ब्लॉक लालपुरा के समस्त सचिव उपस्थित हुए हैं और सर्वसम्मति से हम लोगों ने कार्यकारिणी गठन किया है। ब्लॉक कार्यकारिणी गठन के पश्चात हम 10 लोगों 11 लोगों की एक समिति बनाया, सेक्टर वाइज समिति बनाया है। तो आगे क्या रणनीति है संगठन को लेकर? अब आगे के लिए हम लोग संगठन के लिए कुछ मांग रखे हैं। हमारे यहाँ अभी तो पहली मांग तो ये है कि हमारे सचिव भाई लोगों का वेतन। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए गजट में नोटिफिकेशन जारी हुए, अब लगभग 20 दिन का समय हो गया है। आदेश के अनुसार इस सत्र से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आ जाएगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित 4 जिले सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित होंगे। अब बड़ी विडंबना यह है कि कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और चंद रोज बाद नामांकन के काम शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अब तक छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से कोई लिखित आदेश नहीं मिला है, जिस कारण आगामी दिनों में बालाघाट सहित अन्य 3 जिले रानी दुर्गावती में होंगे या छिंदवाड़ा में, यह तो समय ही बताएगा। जटाशंकर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि वर्तमान समय में MP ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन हो रहे हैं। यह प्रक्रिया भोपाल स्तर से हो रही है, लेकिन छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के माध्यम से अब तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। रही बात नामांकन की, तो उसमें अभी कुछ समय है, वक्त शायद पत्राचार की व्यवस्था शुरू हो जाए। दूसरा, वहाँ पे कुल सचिव महोदय की नियुक्ति हो गई है और उन्होंने प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, अभी जो एडमिशन जो हो रहा है, बच्चों का ताल्लुक क्या छिंदवाड़ा से रहेगा कि जबलपुर से रहेगा? हाँ, ये अभी निर्णय नहीं हुआ है कि क्या होगा, पर हमारा ऐसी उम्मीद है कि वो फर्स्ट ईयर तो छिंदवाड़ा में जाएगा, पिछले बार जैसे हुए हैं पहले जी। उस हिसाब से यदि अपन देखें तो सामान्यतः प्रवेश कार्य के बाद नामांकन होता है, तो मुख्य जो कार्यवाही वो नामांकन की कि विश्वविद्यालय में आप रजिस्टर्ड हो गए। तो शासन के निर्देश ऐसे यदि आते हैं कि छिंदवाड़ा कराया जाए तो छिंदवाड़ा में कराएंगे, नहीं तो जबलपुर में तो हो चली जाए, कोई बात नहीं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के विषय में मिल रही जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा के सारणा बाईपास से लगी 120 एकड़ जमीन पर यूनिवर्सिटी का निर्माण होना है। इसमें लगभग 300 करोड़ लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की नियुक्ति की जा रही है, इस विषय में जानकारी आ रही थी कि इसके अलावा अन्य कोई जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नहीं मिल रही है। 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा के बेसिन वाले 16 जिलों में बड़ी योजना के माध्यम से लाखों रुपया खर्च कर पौधारोपण करवाया था, जिसकी जांच अब वर्तमान की कमलनाथ सरकार करवा रही है। आरोप यही लग रहे हैं कि इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बताएं कि प्रदेश के अन्य जिलों में हुई जांच के दौरान इस बात के खुलासे भी हुए हैं कि पौधारोपण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बालाघाट जिले की गढ़ी वनांचल क्षेत्र, जो कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क का बफर जोन के अंतर्गत आता है, इसमें पौधारोपण करवाए गए थे। बफर जोन के अधिकारी बताते हैं कि शासन चाहे जांच करवा ले, उनके क्षेत्र में पौधारोपण पूर्णतः ईमानदारी से किया गया है और वर्तमान में 75% से अधिक ज्यादा पौधे जीवित और अच्छी स्थिति में है। आपको बताया कि मध्य प्रदेश के मंडला, बैतूल, डिंडोरी सहित अन्य क्षेत्रों में इस योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसके बाद वन अमला चाहे सफाई दे दे, लेकिन चर्चाएं चल रही है कि बालाघाट के गड़ी में भी पौधे लगाने के नाम पर जमकर अनियमितता बरती गई है। पर्यावरण के लिहाज से शासन के द्वारा तमाम शैक्षणिक संस्थानों में इको क्लब स्थापित किए जाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे भी हैं जहां इको क्लब के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। ऐसे ही कुछ हालात शहर में स्थित नगरपालिका स्कूल में नजर आ रहे हैं, जहां पिछले 2 सालों से इको क्लब को लेकर किसी भी प्रकार की गतिविधियां नजर नहीं आई है। इस संदर्भ में स्कूल के इको क्लब प्रभारी श्री सोलाखे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में नगरपालिका स्कूल के परिसर की स्थिति काफी दयनीय है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि काफी वर्षों से इस परिसर में वृक्षारोपण नहीं किया गया, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इको क्लब का जो है गठन हुआ था और लगातार 2-3-4 साल तक मतलब उसका पैसे आते थे, जिससे हम लोग वृक्षारोपण करवाते थे और बच्चों को भी गाइडेंस देते थे कि इको क्लब नेशनल ग्रीन कोर के नाम से, उनमें बच्चों को एक जानकारी दे देते कि मतलब पौधे घर में लगाना चाहिए। पर अभी 2 साल से मतलब मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मानदेय नहीं आया और जिससे इको क्लब की कोई सूचना भी नहीं आई। पहले बैठकें होती थी, हम लोग को बुलाया जाता था इको क्लब के माध्यम से, पर अभी तक तो मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि कोई मानदेय भी नहीं आया और कोई बैठकें भी नहीं हुई, ना कोई लेटर आया। हालाँकि हम इको क्लब हमारे यहाँ है, हमारे बोर्ड भी लगा हुआ है, किंतु पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई होने के नाते
मैं उसका प्रभारी हूँ राष्ट्रीय सुयोजना इकाई का, और उसी के माध्यम से हम जुलाई में वृक्षारोपण करते हैं, बच्चों के को गाइडेंस भी करते हैं, मतलब कि पौधे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्लास के रूप में कैंपों में भी हम लोग जाके बच्चों को समझाते हैं। पर इको क्लब का अभी 2 साल से उसका कोई समझ में नहीं आ रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अहम उद्देश्य को लेकर जिला शिक्षा विभाग के नेतृत्व में आज नगर की शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को स्कूलों में किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए इसका प्रशिक्षण दिया गया है। इस संदर्भ में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मोहन बोपचे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सीसी आधारित शिक्षा हमें इस बच्चों को स्कूलों में देना है, उसके लिए यहाँ के वहाँ के टीचरों का प्रशिक्षण है। कितने टीचर यहाँ पर हैं? आज 4 ब्लॉकों के हमारे यहाँ शिक्षक लोग आए हुए हैं, जो लगभग 225 करीब हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं? ये लांजी, किरनापुर, खैरलांजी और वारासूर ब्लॉक है। तो ये हर ब्लॉकों में अलग अलग हो रहा है कि? नहीं, एक साथ हो रहा है, 3-4 ब्लॉक का एक साथ यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। सर, इसमें देखा जा रहा है कि नाटक और काफ़ी कुछ ऐसी प्रस्तुतियाँ दी जा रही है, उसका क्या उद्देश्य? उसका उद्देश्य है कि बच्चों में जो कलात्मक उनमें वो रहती है, क्षमताएँ रहती है, उसको विकसित करना। बच्चों को बच्चा मंच में आने से डरता है, तो बच्चे को मंच तक लाना और त्वरित जो भी उसकी क्रियाकलाप है उसको उजागर कर सके मंच पर। डाक विभाग के द्वारा युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के मकसद को लेकर फ्रेंचाइजी व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इस प्रयास के कोई भी नतीजे नजर नहीं आए हैं। वहीं फ्रेंचाइजी को लेकर युवाओं के द्वारा कोई भी रुचि नहीं दिखाई गई है। इस संदर्भ में डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक ए.के. अरख ने बताया कि डाक विभाग के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए फ्रेंचाइजी देने की पहल की गई थी, लेकिन अब तक इसके सकारात्मक नतीजे नहीं आ पाए हैं। हमारी तरफ से पहल में कोई कमी नहीं है, हम बराबर उनसे जुड़े हुए हैं, जो चाहे फ्रेंचाइजी देने के लिए हमारे पास टारगेट आता है, सब वेट करते हैं, सबकी जानकारी मिलाते हैं, फिर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते। थोड़ा सा वजह क्या है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं हेड ऑफिस से बड़े ऑफिस में जाना। अच्छा, देखा जाता है सर युवाओं में ये है कि इसमें जो है कमीशन बेस पे है, सैलरी बेस पे नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो पाए। तो ये तो नीति की बात है सर, नीति की बात है। जिला पंचायत के सीईओ पीसी शर्मा का बीते दिनों स्थानांतरण हो गया था, जिन्हें सोमवार को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रेखा बिसेन अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य मालती मर्सकोले, झाम सह नागेश्वर, दुर्गेश बिसेन जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे एवं अरविंद डामोर सीईओ जनपद पंचायत एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम कंचनपुर के पास वारासिवनी कटंगी रोड के अधूरे निर्माण के कारण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बुदबुदा निवासी 22 वर्षीय पप्पू पिता चुन्नीलाल कटरे, अपने अगरवाड़ा निवासी 40 वर्षीय बहन मनीषा, पति मुकेश पटले जो मेहमान आई थी उसे लेकर वारासिवनी खरीदी करने जा रहा था, तभी कंचनपुर टर्निंग पर ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसे संभालते समय बहन मनीषा पटले वाहन से नीचे गिर गई। उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिस पर राहगीरों द्वारा 108 को फोन किया गया, जिन्हें 108 की मदद से सिविल अस्पताल वारासिवनी लाकर भर्ती किया गया, जिसका उपचार जारी है। ये हम लोग बाइक से आ रहे थे, वहाँ पर ब्रेकर से हो चुका है। कहाँ पर? ये अपना कंचनपुर में। कहाँ के रहने वाले थे और अब कहाँ जा रहे थे? हम वाराणसी आ रहे थे, यहाँ पर कोई खरीदी करने के लिए। तो किस कारण से हुआ आपका? वहाँ पर जो ब्रेकर है उसके कारण हुआ। रोड के अधूरे निर्माण से? हाँ, रोड का अधूरा निर्माण पड़ा है उसके कारण। हाँ, उसी के कारण है। कहाँ का चोट आई इनको? इनको सर पे चोट है और हाथ में हाथ। शशि दीदी के नाम से प्रसिद्ध जिला अस्पताल बालाघाट में पदस्थ रही वरिष्ठ नर्स शशि गिरी गोस्वामी सेवानिवृत्त हो गई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में स्नेहिल विदाई दी गई।
इस अवसर पर जिला अस्पताल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा, जिन्होंने शशि दीदी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर उनकी कार्य प्रणाली को सराहा और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। डीएसओ यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे स्वागत कहती हमारी सबकी लाडली। और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली शशि गिरी सिस्टर, आज आप 41 वर्ष की सेवाएं देने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपने बालाघाट के अतिरिक्त, जैसा मैं जितना मैं जान पाया, डॉक्टर गोपते साहब ने मुझे बताया कि आप छत्तीसगढ़ के नागलोक तपकरा में भी आपने अपनी सेवाएं दी। पूरे कहां कहां सेवाएं आपने दी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन तपकरा के बारे में गोपते साहब मुझे बताया करते थे कि स्नेक बाइट के काफ़ी केस आते थे, तत्परता से सिस्टर उनका इलाज करती थी जब मैं वहाँ गया था। तो आम नागरिकों में डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी इंडिया, पोस्ट पेमेंट बैंक की जानकारियां और जागरूकता लाने के लिए स्थानीय प्रधान डाकघर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग के सहायक अधीक्षक जितेंद्र कुमार कावड़े, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के शाखा प्रबंधक कमलकांत सोनी और पोस्ट मास्टर आर के शर्मा ने डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित जानकारियां विस्तृत रूप में नागरिकों को दी। आम जनता है उनमें डिजिटल इंडिया के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि किस तरह से हमारे आम नागरिक लोग डिजिटली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आप को हमारी बचत योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो रूरल सेक्टर में हमारे यहाँ जो ग्रामीण इलाके में हैं वहाँ पर इसकी पहुँच बैंकों की है नहीं, तो हमारे जो एक्सेस पॉइंट है ब्रांच ऑफिसों में कि आईबीबी की सेवाएं दे रहे हैं हमारे जो रूरल के ब्रांच ऑफिसेस के जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो घर घर जाके उनको डिजिटली ट्रांजिशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत से समझा रहे हैं और इस सेवा का लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में प्रथम वर्ष में प्रदेश की सूची जारी होने के बाद फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई कर दी गई है। प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव के मुताबिक नामांकन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से होना है या छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से, यह फिलहाल तय नहीं है क्योंकि अब बालाघाट का नाम छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर पेपर सेटिंग, नामांकन टाइम टेबल सहित अन्य महाविद्यालय गतिविधियां छिंदवाड़ा महाविद्यालय से ही तय होना संभावित है। सर, अभी जो एडमिशन जो हो रहा है बच्चों का, ताल्लुक क्या छिंदवाड़ा से रहेगा कि जबलपुर से रहेगा? हाँ, ये अभी निर्णय नहीं हुआ है कि क्या होगा, पर हमारा ऐसी उम्मीद है कि वो फर्स्ट ईयर तो छिंदवाड़ा में जाएगा, पिछले बार जैसे हुए हैं पहले उस हिसाब से दीपन देखें तो। सर, क्या बच्चों को परेशानी तो नहीं होगी इसमें? नहीं, बच्चों को परेशानी नहीं होगी बच्ची, बल्कि बच्चों को सुविधा होगी। उसका कारण ये है कि भाई वो काम बट गया, जो भी 8 जिलों का एक यूनिवर्सिटी कर रही थी अब वो 4 जिलों का करेगी, जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बाकी 4 जिलों का काम करेगी। तो सब काम में पेपर सेटिंग है, समय पे नामांकन है, टाइम टेबल है और दूसरी गतिविधियां हैं, वो सब और बेहतर ढंग से। किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेवती में खेत की जमीन के हिस्से को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिससे हुई मारपीट के बीच में 3 व्यक्ति घायल हो गए। 1 जुलाई को सुबह 11 बजे घटित हुई इस घटना में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश अनुसार 1 जुलाई से कक्षा 11वीं की पूरक परीक्षा शुरू हो गई है। शासन के निर्देश के अनुसार नगर में स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 जुलाई को कक्षा 11वीं की पूरक परीक्षा संपन्न हुई। ब्लॉक संख्या के 119 विद्यार्थियों ने दोपहर 2 से 5 बजे तक सभी विषयों का पर्चा हल किया। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, किसी भी प्रकार का नकल प्रकरण नहीं बना। 2 जुलाई से कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा प्रारंभ होगी। 11वीं कक्षा का पूरक परीक्षा का कार्यक्रम था, जिसमें टोटल 122 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें 3 अंग्रेजी विषय के अनुपस्थित थे और कुल 119
परीक्षार्थी दर्ज थे, 119 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और आज सभी विषयों की एक ही दिन में परीक्षा संपन्न होनी थी। कल से 9th के विषय रहेंगे, कल 9th का सोशल साइंस रहेगा। तो उनके भी एक ही दिन रहेंगे कि अलग अलग? नहीं, उनमें अलग अलग दिन है, सोशल साइंस अलग है, फिर मैथ्स इस टाइप का अलग अलग दिनों में अलग अलग। वहीं लाल बर्रा स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में 1 जुलाई को कक्षा 11वीं की पूरक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत पूरक प्राप्त छात्र छात्राओं ने शामिल होकर अपने विषयों का पर्चा हल किया। यह परीक्षा निर्धारित समय दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक संपन्न करवाई गई, जिसमें कुल दर्ज 103 परीक्षार्थियों में से 101 ने शामिल होकर अपना इम्तिहान दिया एवं 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सप्लीमेंट्री के पेपर हैं पूरक परीक्षा के जी, कक्षा 11वीं के विकासखंड लालबर्रा के समस्त स्कूल जो है हमारे यहाँ के, तो वहाँ से जिन जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री मिली थी 11वीं में, एक ही दिन पूरे पेपर हो जाते हैं 11वीं के, पूरे विकासखंड के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए पेपर देने। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और हमले की घटनाओं के विरोध में कर्मचारी संघ के आह्वान पर 1 जुलाई को प्रदेश के समस्त नगरपालिका नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी कार्य से व्यस्त रहकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में नगरपालिका परिषद द्वारा सिवनी के अधिकारी कर्मचारियों ने 1 जुलाई को कार्यालय में उपस्थित हुए लेकिन अपने कार्य से विरत रहकर कोई काम नहीं किया और प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी के साथ घटित घटना की निंदा कर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। प्रदेश के नगरीय निकाय के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट, अभद्रता व्यवहार तथा हमले की घटनाओं के विरोध में आज कलमबंद हड़ताल हमारे कर्मचारियों द्वारा रखी गई है। ये पूरे मध्य प्रदेश में रखी गई है जिसमें वाराणसी नगर पालिका भी शामिल है। कहाँ कहाँ घटना घटित हो चुकी है पूर्व में? ये इसके पूर्व में घटना घटित हुई है चार पांच जगह घटनी रही है। मुंगावली नगर पालिका के कर्मचारी रघुवीर पवार है, इनके अवैध खनन माफियाओं द्वारा इनके साथ कार्यालय में आकर अभद्रता किया गया तथा इंदौर नगर निगम के अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह व्यास व अन्य को सरेआम मारा पीटा गया विधायक द्वारा और नगर परिषद पाटन के अध्यक्ष पुत्र द्वारा वहाँ के कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता है। जिला भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान के प्रमुख मुद्दों को लेकर नगर भाजपा मंडल की आवश्यक बैठक आहूत की गई। आगामी 6 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलने वाले भाजपा सदस्यता अभियान के बारे में चर्चा की गई और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को भाजपा से जोड़ने का संकल्प लिया गया। आइए देखते हैं क्या, जिसमें नगर भाजपा मंडल बालाघाट के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर। आज नगर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हमारे प्रारंभ होने वाले सदस्यता महाअभियान, जो हमारा संगठन का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें हम सभी कार्यकर्ता भी पुनः सदस्य बनते हैं और नए लोगों को इस बार सदस्य बनाने का हमारा जो लक्ष्य है। हमारे नेतृत्व ने कहा है कि अभी भी हमें जो पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी सर्वोच्च प्राप्त करना बाकी है, उसके लिए अभी भी हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हर वर्ग, हर जगह, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। उसकी तैयारियों को लेकर आज हमारी नगर भाजपा के सभी सेक्टर प्रभारी, मतदान केंद्र प्रभारी, हमारे पार्षद और हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में तैयारी को लेकर यह बैठक आहूत की गई। किरनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमहन गांव निवासी डोमन बाई और ग्राम नक्शी निवासी श्रीमती रजवंती बाई जंगली सुअर के हमले से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खेत को जा रहे थे, जंगली सुअर ने धक्का दिया और नीचे से घुस के निकल गए। चोट आई है, पैर मोचा गया, नहीं हिल रहा पैर। बाई कहाँ जा रहे थे? बाई खेत को जा रहे थे। काम करी थे अपने घर बाड़ी में। अच्छा। बस्ती में सुअर आया। अच्छा। और इन पर मतलब हमला किया। अच्छा। पैर में काफ़ी गंभीर मतलब चोट है इनकर, हाथों को काटा है सुअर। अच्छा। तो घर में सब कोई था क्या? घर में इनकी छोटी बेटी थी। अच्छा। छोटी और बड़ी बेटी थी और अपन पड़ोसी हैं इनके, ताकि होने के लगते हम पड़ोसी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। बालाघाट में फिर
फिर चलेगी अतिक्रमण हटाओ मुहिम, अतिक्रमण हटाने गठित किए गए दल। राजस्व निरीक्षक मंडल माटे के राजस्व निरीक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित। पीएटी का पेपर बिगड़ने पर छात्र ने खाया चूहा मार दवाई। 101 विद्यार्थियों ने हल किया 11वीं की पूरक परीक्षा का पर्चा। जंगली सुअर के हमले में 2 महिला घायल। नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों ने कार्य से विरत रहकर किया विरोध प्रदर्शन। और वरिष्ठ नर्स शशि दीदी की सेवानिवृत्ति पर दी गई स्नेहिल विदाई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।